हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी आइलैंड। और इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं मदरबोर्ड्स के बारे में कि कितने टाइप्स के मदरबोर्ड होते हैं। अगर बात करूं, आपको कल को एक मदरबोर्ड लेना है तो आपके पास चार ऑप्शन होंगे, मिनी ITX, माइक्रो ATX, ATX जो कि आपका स्टैंडर्ड ATX होता है, और आपका EATX। तो आपको ये चार ऑप्शन देखने को मिलते हैं और इसके अलावा SL ATX भी आता है। तो हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि आपको कौन से मदरबोर्ड में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो आपको जो सबसे छोटा मदरबोर्ड देखने को मिलता है वो होता है मिनी ITX। ये क्या होता है, ये बहुत ही छोटा मदरबोर्ड होता है और ये स्मॉल फॉर्म फैक्टर PC के लिए होता है। तो अगर आप एक बहुत ही छोटा PC बनाना चाहते हैं या आपके पास कोई PC है जो स्मॉल फॉर्म फैक्टर का है तो उसके अंदर मिनी ITX ही लगा होगा। इस मिनी ITX में आपको सिर्फ दो RAM स्लॉट देखने को मिलते हैं, तो आप इसके अंदर सिर्फ दो RAM स्टिक ही लगा सकते हैं और इसके अंदर आपको एक ही PCI स्लॉट देखने को मिलता है। इसका मतलब आप इसके अंदर सिर्फ ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं एक, अगर आपने वो लगा दिया तो उसके बाद आप साउंड कार्ड या फिर कैप्चर कार्ड या किसी भी तरीके का कोई अलग कार्ड नहीं लगा सकते। आप और चीज़ें नहीं इसके अंदर लगा सकते। तो यहाँ पर इसके अंदर कुछ कमियाँ हैं और साथ में आप इसके अंदर बड़ा ग्राफिक कार्ड भी नहीं लगाते। ये बेसिकली उन लोगों के लिए होता है जो बहुत स्मॉल फॉर्म फैक्टर वाला PC बिल्ड कर रहे हैं या उन्होंने कोई एक प्री बिल्ड लिया है जो कि एक स्मॉल फॉर्म फैक्टर वाला है, तो उनके लिए ये मदरबोर्ड बनते हैं। तो इसके अंदर आप ज़्यादा अपग्रेड नहीं कर सकते, मतलब अपग्रेड के इतने ऑप्शन देखने को नहीं मिलते हैं। इसी के बाद जो अगला मदरबोर्ड आता है जो इससे थोड़ा सा बड़ा होता है वो आता है माइक्रो ATX। तो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, इसके अंदर आपको चार RAM स्लॉट देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर आप डुअल चैनल का भी फायदा उठा सकते हो और साथ ही साथ इसमें आपको ज़्यादा USB पोर्ट देखने को मिलते हैं। जो मिनी ITX होता है ना उसके अंदर जो USB पोर्ट्स होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं, लेकिन जो माइक्रो ATX होता है ना उसके अंदर आपको मिनी ITX से ज़्यादा USB पोर्ट्स देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ इसके अंदर चार PCI स्लॉट देखने को मिलते हैं। तो अगर आप ग्राफिक कार्ड भी लगा देते हैं तो आपके पास और स्लॉट बचते हैं बाकी चीज़ें लगाने के लिए। तो आप कैप्चर कार्ड भी लगा सकते हैं, साउंड कार्ड भी लगा सकते हैं और भी दुनिया भर के कार्ड आते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा अपग्रेड का ऑप्शन देखने को मिलता है और साथ में आप चार RAM स्टिक तक लगा सकते हैं, तो आपको ज़्यादा थोड़ा अपग्रेड ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है। इसके बाद आता है आपका ATX जो कि आपका स्टैंडर्ड ATX भी कहलाता है। ये मदरबोर्ड में आपको सारे फीचर देखने को मिलते हैं, मतलब कोई भी फीचर कट डाउन नहीं होता है, आपको सारे फीचर मिलते हैं। और जिनको भी अपने PC भारी बनाने होते हैं तो वो ज़्यादातर स्टैंडर्ड ATX मदरबोर्ड ही यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको चार स्लॉट तो देखने को मिल जाते हैं RAM के, जिससे आप डुअल चैनल का तो फायदा उठा ही सकते हैं। और इसके साथ इसके अंदर जो PCI स्लॉट देखने को मिलते हैं वो 4 से 6 PCI स्लॉट देखने को मिलते हैं, जिसकी मदद से आप इसके अंदर दो दो ग्राफिक कार्ड भी लगा सकते हैं और भी आप इसके अंदर कई सारे कार्ड लगाते हैं, मतलब इसके अंदर और ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो अगर आप ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं तो ATX आपके लिए हो सकता है। और यहाँ तक कि इसमें जो USB पोर्ट्स होते हैं वो भी और ज़्यादा हो जाते हैं, साथ साथ में इसमें USB 3.0 के पोर्ट्स भी देखने को मिलते हैं काफ़ी सारे, तो यहाँ पर थोड़ा सा एडवांटेज होता है। और साथ साथ में फिर आपको यहाँ पर HDMI पोर्ट भी देखने को मिलता है, मतलब पोर्ट्स बढ़ जाते हैं इसके अंदर। तो जो सस्ते मदरबोर्ड होते हैं उसके अंदर आपको शायद HDMI पोर्ट नहीं मिले, लेकिन जो स्टैंडर्ड ATX मदरबोर्ड आते हैं उसके अंदर आपको HDMI का भी पोर्ट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, मतलब कोई चीज़ कट डाउन नहीं करी जाती आपके लिए, आपको सारी चीज़ें दी जाती हैं। लेकिन इसके बाद जो अगला आता है वो आता है EATX मदरबोर्ड। ये कौन सा मदरबोर्ड होता है, ये उन लोगों के लिए होता है जिनको मतलब जितना है उतने से भी उनका मन नहीं भर रहा, उनको उससे भी ज़्यादा चाहिए, तो ये उन लोगों के लिए मदरबोर्ड होता है। तो इसके अंदर आपको 8 RAM स्लॉट देखने को मिलते हैं, मतलब आप इसके अंदर 8 RAM स्टिक लगा सकते हैं और आप इसके अंदर क्वाड चैनल का फायदा उठा सकते हैं। तो मतलब आपको क्वाड चैनल आपको देखने को मिल जाएगा और इसके अंदर आपको 10 USB पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, वो भी 3.2 वर्जन वाले। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे USB पोर्ट्स भी देखने को मिलते हैं और साथ साथ में इसका जो साउंड का आउटपुट होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इसमें अलग से एक एम्पलीफायर चिप लगी होती है, तो उसकी वजह से साउंड भी आपको ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। आपको इसके अंदर पोर्ट्स भी आपको नॉर्मल ATX से ज़्यादा देखने को मिलते हैं EATX मदरबोर्ड में। तो यहाँ पर आपको हर चीज़ ज़्यादा मिलती है, यहाँ तक कि जो NVMe पोर्ट होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं आपको एक स्टैंडर्ड ATX से, मतलब आपको 4 NVMe पोर्ट्स तो देखने को मिल जाते हैं इस मदरबोर्ड में और साथ ही में 5 से 7 PCI स्लॉट देखने को मिलते हैं। तो कई लोग काफ़ी ग्राफिक कार्ड लगाते हैं, मतलब ज़्यादा ग्राफिक कार्ड भी लगा लेते हैं 2 से ज़्यादा, तो वो भी लगा सकते हैं और उसके बाद भी कई सारी चीज़ें लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपग्रेड का काफ़ी ऑप्शन देखने को मिलता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिलता है। और इसके बाद एक और मदरबोर्ड भी आता है जो XL ATX होता है, जो कि और ज़्यादा चीज़ें ऑफर करता है, मतलब और ज़्यादा अपग्रेड होता जाता है, लेकिन वो कंज्यूमर लेवल पर शायद ही कोई खरीदता होगा। EATX भी कोई कंज्यूमर लेवल पे बहुत कम ही लोग खरीदते होंगे, ज़्यादा लोग नॉर्मल ATX मदरबोर्ड और माइक्रो ATX मदरबोर्ड ही लेते हैं। जो बजट में होते हैं वो माइक्रो ATX ले लेते हैं, जिनका थोड़ा बजट ज़्यादा होता है तो वो आपका ATX ले लेते हैं, स्टैंडर्ड ATX ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये चार टाइप के होते हैं, 5वां टाइप भी होता है लेकिन कंज्यूमर लेवल पे कोई यूज़ नहीं करता उसको, ये 4 होते हैं। यहाँ पर बस मैं एक टिप बता देता हूँ, बाद में हम
फिर कभी अगली वीडियो में और बातें करेंगे मदरबोर्ड के बारे में, और आपको डिटेल में बताऊंगा। ये बेसिक बनाई है वीडियो, क्योंकि अभी तक मेरे चैनल पे कोई मदरबोर्ड की वीडियो नहीं थी, तो मैंने सोचा बेसिक से ही शुरुआत करते हैं सबसे पहले। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि कई लोग ऐसा करते हैं कि कभी भी मदरबोर्ड लेने जाते हैं, मतलब मदरबोर्ड पे तो वो ध्यान ही नहीं देते, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, वो सिर्फ देते हैं कि सीपीयू पे ध्यान देते हैं। इसके साथ सबसे सस्ता मदरबोर्ड कौन सा लग जाता है? अगर आप i9 प्रोसेसर भी ले लेते हैं और आप उसको लगाना चाहते हैं एक सस्ते मदरबोर्ड में, मतलब काफ़ी ज़्यादा सस्ते मदरबोर्ड में, अगर सॉकेट सही है, सॉकेट सेम है, तो वो जो प्रोसेसर है वो लग जाएगा, मतलब महंगा वाला प्रोसेसर बिल्कुल i9 वो लग जाएगा बिल्कुल सस्ते मदरबोर्ड में। और आप बिल्कुल महंगे मदरबोर्ड में पेंटियम i3 जैसे सस्ते प्रोसेसर भी आप एक बहुत महंगे मदरबोर्ड में भी लगा सकते हैं, तो लोग ध्यान ही नहीं देते। तो आपको एक मैच करना पड़ता है कि जो जितना बजट है आपका, क्योंकि कई सारी सीरीज़ आती हैं, बी सीरीज़, एस सीरीज़, क्यू सीरीज़, जेड सीरीज़, तो यहाँ पर सीरीज़ भी आती हैं मदरबोर्ड में, जो चिपसेट की सीरीज़ होती हैं वो भी आती हैं। जब भी आप मदरबोर्ड लेने जाएं तो आप अपने बजट के हिसाब से लेने जाएं। अगर आप एक छोटी बिल्ड कर रहे हैं, मतलब 20-25 हज़ार की, तो आप मदरबोर्ड भी सस्ता लेंगे। लेकिन जब आप महंगी बिल्ड करेंगे तो आप ऐसा तो नहीं कि प्रोसेसर महंगा ले लिया और मदरबोर्ड कम ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको थोड़ी सी परफॉर्मेंस इशू भी देखने को मिल सकते हैं। कैसे वो सब मैं किसी और वीडियो में बात करूँ, बस आपको मैच बनाना होगा एक मदरबोर्ड का और एक प्रोसेसर का, दोनों का मैच बनाएंगे तभी बढ़िया से काम करेंगे। क्योंकि अगर आप बजट में हैं तो दोनों बजट के लीजिए, आप थोड़े से ज़्यादा एक्सपेंसिव में हैं तो उस हिसाब से अपने मदरबोर्ड और प्रोसेसर को चूज़ करिए, और आप बिल्कुल अल्टीमेट पर हैं कि मैं i9 लगाऊंगा तो उस हिसाब से आप सबसे महंगा मदरबोर्ड ही लेंगे, तो उस हिसाब से आप हिसाब करिए। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा कि कितने टाइप से मदरबोर्ड होते हैं और सब में आपको क्या क्या देखने को मिलता है और किस काम के लिए होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे मदरबोर्ड वीडियो लाता रहता हूं। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्प्रेड पीस, लव एंड हैप्पीनेस।